फ्रेंड्स, राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय जनेन्द्र, सस्त्री अकाल। तो हम आ गए वापस। आ गए तुम्हारे सामने क्योंकि हम आपके बिना नहीं रह सकते, क्या करें और आप भी हमारे लिए हमारे बिना नहीं रह सकोगे क्योंकि अभी इतनी दोस्ती हो गई है ना हमारे YouTube फैमिली से। तो ऐसा है, तो आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कुछ ऐसी चीज़ जो आपने कभी नहीं देखी होगी। किसी ने देखी हो तो फिर देख लेना का, मगर मेरे ख्याल से नहीं देखी होगी क्योंकि आज मैं जो दिखाता हूँ वो चलो मैंने भी नहीं देखी। हाँ, मनीषा ने भी नहीं देखी है। मनीषा को मालूम भी नहीं है कि वो क्या चीज़ है, क्या है और कहाँ लेके जा रहा। हाँ, तो अभी देखो हम नीचे उतरते हैं। ये देखो नीचे नीचे, ये तो डर लग रहा है कि मुझे फेंक तो नहीं दे समंदर। अभी देखो समंदर के पास डर लग रहा है। डरना मत। ये देखो, ये आ गया समंदर। इधर देखो, तो हम समंदर के पास खड़े हैं इधर, और ये तो होगा ही इधर पत्थर तो। तो ये पेडेस्ट्रियन का रास्ता है, ऊपर गाड़ी का रास्ता है। तो ये आगे चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहाँ है। एक जगह है जो मैं आया था एक बार, स्वामी जी के साथ ही आया था मैं। स्वामी जी जब आए थे ना, परमात्मानंद गिरी जी महाराज, वो स्वामी जी राणावा वाले, वो इधर आए थे तो हम दोनों साथ में इधर आए थे। तब मुझे मालूम पड़ा कि इधर कुछ है। हाँ, तो उसके पहले भी एक बार मेरे ख्याल से मैं आया था शायद, मालूम नहीं। तो ये आपको दिखाते हैं, छोटी सी जगह है मगर बहुत ही अच्छी है। तो ये है, और मनीषा तो आज कुछ बोलती ही नहीं। नहीं बोलती तो हूँ। क्या बोलती है तू? थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं बोलती। थोड़ी बोलना क्योंकि आदत नहीं है ज्यादा बोलने की, तो मैं ट्राई कर रही हूँ आपके साथ बोलने की। अच्छा, ट्राई कर रही है, वो भी अच्छा है। चलो ट्राई तो करती है ना, कई लोग ट्राई भी नहीं करते। मैं ट्राई तो कर रही हूँ। ओके, देन इट्स गुड, वो तो अच्छा है, ट्राई करती है तो आप ट्राई करते रहना ऑलवेज। ट्राई करते हैं ना तो एक बार फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है बोलने की। तो फिर एक बार आदत हो गई तो फिर बोलती बंद नहीं होती फिर मुझे सुनना पड़ेगा सब कुछ तो तो ऐसा है। तो अभी कुछ आगे होगा, थोड़ा है इधर कहीं है मगर चलो। वैसे भी ये अच्छा है इधर घूमने के लिए, समंदर के किनारे घूमने का अच्छा है इधर। और ये पेडेस्ट्रियन भी बहुत अच्छा बनाया है। तो देखते हैं अभी आएगा। तो देखो आवाज समंदर की, समंदर के मौजों की। यहाँ बैठने की जगह है, देखो बैठने की जगह, ये सब बैठ के यहाँ मजा ले रहे हैं। अच्छा, समंदर की, समंदर की, ये बैठने की, ये दिखाते हैं दोस्तों को ये कहाँ क्या है। ये है, ये सभी इधर है बेंचेस। और ये हम आ गए जहाँ मैं आपको ले जा रहा था, वो जगह, वो है ये जगह। आपको दिखाता हूँ कि क्या है वो। तो ये है, ये देखो, दिस इज फॉन्टेनलो रोजेंसी हेरिटेज ट्रेल। तो दिस फैसिनेटिंग
बिल्डिंग इज थॉट टू बी स्मॉलेस्ट चर्च इन द ब्रिटिश आइल सिटिंग ओनली सिक्स पीपल्स इट इज नेम्ड आफ्टर सेंट ट्रुलो द सिक्स सेंचुरी सेल्टिक सेंट हु बिल्ट हिज सेल हियर द प्रेजेंट बिल्डिंग इज ए लेटर कंस्ट्रक्शन अननोन डेट तो ये है तो चलो वो दिखाते हैं आपको ये छोटा सा चर्च है सिक्स सेंचुरी में बना हुआ सिक्स सेंचुरी मतलब 600 सो कितने साल हो गए इसको सेल्टिक इधर थे जब भी रोमन के पहले राइट उन लोगों ने ये बनाया है तो ये है छोटा सा चर्च और वो मैं आपको दिखाता हूँ इसलिए मैं इधर लाया आपको ये देखो सभी स्टोन रखे हैं वो सब इधर आए लोग तो जैसे हम भी रखते हैं उधर कहीं जाते हैं मंदिर में तो माउंटेन के ऊपर या समंदर के पास कहीं जाते हैं ऐसी जगह पे तो हम स्टोन की ढगली बनाते हैं एक के ऊपर एक रख के और नाम लिखते हैं ऐसा कुछ करते हैं तो इधर भी ऐसा ही है कुछ और ये देखो ये है सिर्फ 6 आदमी अंदर बैठ सकते हैं अंधेरा है इनसाइड अंधेरा तो होगा मगर ये देखो हाँ थोड़ा अंधेरा है इधर दिखाएगा नहीं दिखाएगा मालूम नहीं लाइट करना वो अपने फोन की लाइट कर तो देखते हैं ये छोटा सा चर्च है ये क्या यार तुमने कर दिया बंद कर मनीषा का फोन नंबर मेरा फोन ओपन करने का भी नहीं आता हुआ लाइट हाँ ये रही ना ये देखो ये अभी कुछ थोड़ा सा दिखता होगा ये देखो और इधर नीचे जो है ना नीचे इधर इधर पानी है वैसे पानी 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 होता है देखो है ना पानी हाँ देखो जिस तरह हमारे ऊपर मीठा पानी है वो समंदर के पास है मगर ये मीठा पानी है हाँ तो सिक्स सेंचुरी मतलब 600 मतलब कितना हुआ 1400 साल पहले का है 1400 years back तो इसलिए मैं बोलता था आपको कि ये जगह बहुत पुरानी है तो देखिए इसका नाम है सेंट ट्रुलो ये चर्च का नाम है तो इधर सिर्फ 6 आदमी बैठ सकते हैं इधर ऐसा छोटा है ये चर्च तो इसलिए मैंने सोचा कि दोस्तों को दिखाए ये तो ये है बहुत ही छोटा तो ये बंद कर दे लाइट वो फिर भी इतना नहीं दिखता था मगर ऐसा है बहुत ही छोटा सा चर्च तो मनीषा ने भी वो नहीं देखा था नहीं। पहली बार वो आई इधर सेल्टिक लोगों ने मतलब रोमन के पहले वो सेल्टिक था इधर वो लोगों ने बनाया था ये चर्च और इधर वो प्रे करते थे तो बहुत पवित्र है ये उसको पवित्र माना जाता है और अभी भी इधर लोग आते हैं प्रे करने के लिए तो ऐसा है और बस बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक है हाँ तो फ्रेंड्स वो चर्च आपने देखा ना वो बिल्कुल समंदर के पास ही है ये तो और मनीषा बोलती है कि उसको तो बैठना है तो बैठ जाओ और क्या
मगर ये देखो अभी कैसा सभी वेदर हो गया, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि हाँ चेंज इधर 5-5 मिनट में वेदर चेंज हो जाता है। कभी कुछ भी हो सकता है, रेन भी आ सकता है, विंड भी आ सकती है, विंड आ सकती है। मगर ऐसा है इधर तो अच्छा है, क्वाइट, वेरी क्वाइट है ना। क्या पोल्यूशन भी नहीं है ज्यादा? पोल्यूशन तो बिल्कुल है ही नहीं ना, पोल्यूशन कहाँ से होगा ये इधर, पोल्यूशन तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, पॉपुलेशन भी नहीं है, पॉल्यूशन भी नहीं, पॉल्यूशन भी नहीं और पॉपुलेशन भी नहीं, पीएनपी नहीं है इधर, बीएनपी है बेड एंड ब्रेकफास्ट रहने के लिए इधर, अगर हाँ टूरिज्म के लिए ये प्लेस है तो बहुत ही अच्छा है। तो मिलते हैं बाद में, तो देखते रहिए। ये देखो अभी सन का नजारा, धूप आई है उधर, इधर धूप है नहीं, तो कैसे वो खेत लगते हैं, ग्रीन दिखते हैं बहुत ही, एक तरफ काले बादल है और दूसरी तरफ उजाला है। सन बाहर आया तो उजाला हुआ। हाँ तो यही तो है नेचर का करिश्मा, वो कुछ भी हो सकता है, नेचर बदल रहे, नेचर बदलता रहता है, वो एक जैसा नहीं रहता, उसको ही प्रकृति बोलते हैं। देखो ये तो ऐसा है, प्लेन भी है ऊपर आकाश में, प्लेन नीचे गाड़ियां और हमारे साथ समंदर की लहरें, सब एक जगह सब कुछ एक जगह है। तो ये नजारा भी कुछ कम नहीं है ये ना, वो दोस्तों को दिखाते हैं, चलो ये हाउस भी दिखाते हैं। ये देखो पुराना पुराना मंजर, हाँ पूरा स्टोन से बना हुआ, पूरा रिनोवेट किया है उसको। और ये विक्टोरिया मतलब 1900 का है, 1800 का ये है बना हुआ। और उसके बाजू में जो दूसरा वो फ्लैट दिखता है, वो मकान बड़ा वाला, वो सभी फ्लैट है उधर, वो अभी बने हैं नए, मॉडर्न फ्लैट है वो। तो ऐसा है, तो देखते रहिए और मिलते हैं बाद में।